अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरकेजे। मैं बिल्कुल फिट फाट और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोग भी फिट फाट होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हमारा जो वर्कआउट है वो विंग्स है, बैक है। बैक विंग्स बड़ा मसल्स है, तीन चार मसल्स बॉडी में बड़े हैं। चेस्ट बड़ा मसल्स है, विंग्स बड़ा मसल्स है, और सबसे बड़ा मसल्स लेग्स का है। तो बड़ा मसल जो होता है, अगर आप उसे अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं तो ये फैट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। आज हम आपसे इसकी एक्सरसाइज वगैरह शेयर करेंगे, और इस एक्सरसाइज को जिस सीक्वेंस में हमने आपको बताना है आपने उसी सीक्वेंस में इसे लगाना है। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बैक मसल। और हाँ, तो व्यूअर्स फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो इन्वर्टेड रो है। इसके हम फोर सेट्स करेंगे, रैप्स होंगी 10 to 12। ये हम आपको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, ये आप देखिएगा। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो पुल अप्स है। अक्सर लोग इसे चिन अप्स भी बोलते हैं। मुश्किल है, लेकिन आप जब इसे करने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे 3, 4, 5 स्लोली ग्रेजुअली आपकी इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। इसमें हमने 4 सेट्स करने, रैप्स करनी है मिनिमम 8, मैक्सिमम 12। 8 से 12 रैप्स हैं और 4 सेट्स हैं। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो केबल पुल डाउन है, और इसके हमारे 4 सेट्स हैं, रैप्स हैं 10 to 12। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो बिहाइंड द नेक लेट पुल डाउन है। इसके हमारे 4 सेट्स हैं और रैप्स हैं 10 to 15, 10 से 15 रैप्स हैं आपकी। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो सीटेड रो है। इसके हम 4 सेट्स करेंगे, रैप्स होंगी 10 to 15, 10 से 15 रैप्स हैं, 4 सेट हैं। अच्छा व्यूवर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो लीवर अल्टरनेटिव नैरो ग्रिप के साथ हम करेंगे, सीटेड रो। अच्छा, ये जो हम बता रहे हैं ये सिंगल हैंड के साथ है, यानी कि पहले हम एक हैंड लेंगे और एक हैंड के हम करेंगे 10 to 12 रैप्स। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसी तरह क्वालिटी और क्वान्टिटी के साथ आपको परफॉर्म करना है। पहले हम एक हैंड कम्प्लीट करेंगे, फिर हम सेकेंड हैंड के साथ भी हम इसकी 10 to 12 रैप्स करेंगे, और ये इसी तरह क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ आपने
करना है, बिल्कुल झरक नहीं मारनी। अच्छा व्यूवर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो है। इसे हम इंक्लाइन से सपोर्ट देके करेंगे और इसके 4 सेट्स हैं। रैप्स 10-15 इसकी रैप्स हैं। अच्छा व्यूवर्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो लीवर बेंट ओवर रो है। इसके 3 सेट्स हैं 10-12 रैप्स के। अच्छा, हमारे पास जिम में ये मशीन है, ठीक है। ये जिन लोगों की लोअर बैक में पेन होता है, जिनको बैक का मसला है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इस पे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको लोअर बैक में पेन से और इंजरी से काफ़ी हद तक आप इसमें महफूज रहते हैं। हम आपको ये मैनुअल भी करके दिखाएँगे और ये मशीन पे भी करके दिखाएंगे। तो जो आपके जिम में हो आप उस पर इसे परफॉर्म करें, और अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो बेल्ट का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। 3-4 सेट्स और रैप्स हैं 10-12। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो स्ट्रेंथ आर्म पुल पुश डाउन है, और इसके हमारे 4 सेट्स हैं, रैप्स हैं 10-12। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट हमारी एक्सरसाइज है बारबल डेडलिफ्ट। अच्छा देखें, ये डेडलिफ्ट जो है ये पूरी मुकम्मल बॉडी की एक्सरसाइज है। फैट लूज करने में ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसे हम जैसे आपको बताएंगे आपने उसी तरह से परफॉर्म करना है। इसके हम 4 सेट्स करेंगे, रैप्स होंगी 10-12। अच्छा, एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट उठाएंगे। कहीं पे ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जो आपके साथ अपोजिट बंदा है या जो भी आपके साथ पार्टनर है, अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, वो 50 kg से उठा रहा है, तो आप भी 50 या 55 kg से उठाएं। जो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपकी स्ट्रेंथ 10 kg की है तो आप 10 kg लिफ्ट करें, 20 kg की है 20 kg लिफ्ट करें। वेट उठाना बॉडी बिल्डिंग में कहीं नहीं है, आपका एंगल सही होना चाहिए। 4 सेट्स 10-12 रेप्स डेड लिफ्ट।
व्यूअर्स, आज आपने हमारा वर्कआउट देखा। आज हमने वर्कआउट आपके साथ शेयर किया, विंग्स का, बैक का। बैक हमारी पावर बॉडी का बड़ा मसल्स है, ब्रॉड दिखाने में, पीछे दिखाने में इसका बहुत ज़्यादा इसका किरदार है और बहुत ज़बरदस्त आपकी बॉडी की शेप बनती है इससे। अच्छा, हमने आज जो आपसे एक्सरसाइज शेयर की, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, लेकिन आप इसे इसी क्वालिटी और क्वान्टिटी के साथ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ही आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डालेगा। और देखें, हमने जो आज आपसे वर्कआउट शेयर किया, इसमें जो हमने लास्ट में डेडलिफ्ट किया, पूरा वर्कआउट अगर आप इसी सीक्वेंस में करेंगे और जो हमने बताया है कंट्रोल लेवल के साथ, कंट्रोल के साथ अगर आप इसे ऐसे परफॉर्म करेंगे तो डेडलिफ्ट जो है वो आपकी मुकम्मल एक्सरसाइज है। यानी डेडलिफ्ट करने के बाद आपको, मैंने समझता कि आपको ज़रूरत होगी कि आप लिफ्ट करें या कोई ऐसी आपको एक्सरसाइज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। और जब आप एक्सरसाइज हमारी देखें, आप खुद भी इसे परफॉर्म करें तो लाजमी तो बताइए, लेकिन इस एक्सरसाइज के बाद आपको ज़रूरत महसूस हुई कि आपको एब्स करने की ज़रूरत है। आई थिंक सो कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने फोर आर्म्स ट्रेन किया है, फोर आर्म्स के बाद हमने वॉक किया जस्ट, और हम स्ट्रेचिंग करके अपना वर्कआउट का एंड कर रहे हैं। तो हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे हम आपको बताते हैं, आप इसी क्वालिटी क्वान्टिटी के साथ परफॉर्म करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने भाई आपके लिए तो बहुत याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नए ब्लॉग में नई एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़िए।